अस्सलाम वालेकुम। सो अभी हम डिस्कस करते हैं HCF या इसको हम GCD भी बोलते हैं। HCF मींस हाईएस्ट, C मींस कॉमन, F मींस फैक्टर या GCD मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर यहां पर मतलब है कि वो डिवाइजर जो पूरा डिवाइड कर रहा हो जीरो रिमाइंडर के साथ। तो हम वर्ड HCF के साथ ही रहेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे। सो HCF मींस फाइंडिंग आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये टू या टू से ज्यादा नंबर्स के लिए। अगर कोई एक ही नंबर है तो वो खुद ही अपने आप का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि फैक्टर होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं या 70 का, तो 70 के सारे जो फैक्टर्स हैं लिस्ट कर लेंगे, तो सबसे बड़ा उसका जो फैक्टर होगा वो खुद ही होगा। तो वो अपने आप का इटसेल्फ जो है ना HCF होता है हर नंबर। बाकी अगर दो नंबर है, तीन नंबर है, तो फिर बात की जा सकती है कि इन इनके अंदर कौन सा जो है इनका HCF होगा। फॉर एग्जांपल जो है हम दो नंबर उठाते हैं, लेट्स कंसीडर एक नंबर है 50 और दूसरा नंबर जो है वो है लेट्स से 30। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो 50 के सारे फैक्टर देख लेते हैं। वन है, टू है, थ्री नहीं है, फाइव है, देन 10 है, 25 है एंड देन 50 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि 30 के कौन से फैक्टर है। लेट्स सी, 30 के हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10 एंड देन 30 इटसेल्फ। ओ सॉरी, 15 भी है। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं, मतलब 30 और 50 के, हमें पहले तो इनका कॉमन चाहिए कोई फैक्टर। तो ये भी एक कॉमन है दोनों में, 5 भी एक कॉमन है दोनों में, 10 भी एक कॉमन है, तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, 5 भी एक कॉमन फैक्टर है और 10 भी एक कॉमन फैक्टर है। सवाल ये है कि फिर हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। एंड द आंसर इज वेरी ट्रिवियल, क्योंकि यही एक नंबर है जो कि हाईएस्ट है तीनों में। ये तीनों कॉमन हो गए, ये हाईएस्ट हो गया, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि HCF ऑफ 50 एंड 30 इज व्हाट, इज 10, क्योंकि यही एक फैक्टर जो है वो तीनों कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन है। तो अब तीन तरीकों से जो है आप फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं HCF किसी भी दो नंबर्स का। तो पहला तरीका जो है वो है बाय फैक्टराइजेशन, या आप कह सकते हैं कि बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, अभी जो हमने किया। फॉर एग्जांपल आप दो नंबर उठाते हैं, एक नंबर है आपके पास लेट्स से 35 और दूसरा नंबर है आपके पास लेट मी से 75। आई एम इंटरेस्टेड इन दी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर। सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालूंगा, सॉरी फैक्टर्स निकालूंगा। 35 के कौन से फैक्टर है, 35 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 भी इसका फैक्टर है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 इसका फैक्टर है, फिर 7 इसका फैक्टर है, इसके बीच में कोई और मुझे नहीं लग रहा, फिर 35 इसका फैक्टर है। उसके बाद आप फाइंड करेंगे 70 के सारे फैक्टर्स, 75 के। 75 के अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो 1 फैक्टर है, उसके बाद आपके पास 3 भी हो जाएगा एंड देन 4 नहीं होगा, डेफिनेटली 5 हो जाएगा। 5 के बाद अगला फैक्टर आपके पास इसका 15 आएगा, 25 आएगा एंड देन 75। तो अब अगर हम देखें तो इनमें कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं, तो एक ही कॉमन फैक्टर है जो मुझे नजर आ रहा है 5, एक दूसरा ये 1 है जो कि सब में होता है। तो क्योंकि एक ही फैक्टर है तो वही खुद ही हाईएस्ट है, तो इसलिए हम HCF ऑफ
35 एंड 75 जो है वो कहेंगे 5 है। इस हिसाब से एक और मिसाल कर लेते हैं इसी मेथड से। लेट्स कंसीडर टू अदर नंबर्स। फॉर एग्जांपल एक हम 60 नंबर उठाते हैं और दूसरा हम जो है इसी के साथ पेयर में 40 नंबर उठाते हैं। अब 60 के फैक्टर निकालते हैं तो इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है और 30 भी है एंड देन 60। इफ आई हैव नॉट मिस्ड एनी, आई एम श्योर आई हैवंट। अभी अगर हम देखें 40 के फैक्टर्स तो 1 फैक्टर है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 10 है, 10 के बीच में और कोई नहीं है, मुझे लग रहा है 20 है एंड देन 40 है। अच्छा, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर जो है कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो 2 दोनों में आ रहा है, दिस इज कॉमन। 4 दोनों में आ रहा है, दिस इज आल्सो कॉमन। 5 दोनों में आ रहा है, दिस इज आल्सो कॉमन। 10 दोनों में आ रहा है, दिस इज आल्सो कॉमन। 20 दोनों में आ रहा है, दिस इज आल्सो कॉमन, नथिंग मोर। सो हमारे पास जो इन दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो है 2, 4, 5, 10, 20। लेकिन हमें HCF चाहिए, मतलब कि इन तीनों में से हाईएस्ट चाहिए। तो तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है? डेफिनेटली वो 20 है। तो इसलिए जो HCF होगा आप 40 एंड 60 वो होगा आपका 20। चले, ये हो गया बाय फैक्टराइजेशन। पहले फैक्टर करें और फिर कॉमन फैक्टर निकालें और फिर उनमें से हाईएस्ट को पिक करें। इसका दूसरा तरीका होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फॉर एग्जांपल कोई दो नंबर उठाते हैं, लेट्स से यही जो थोड़ी देर पहले हम नंबर पिक किए थे। अभी हम लेट्स से टॉक वी कैन टॉक अबाउट 60 एंड लेट्स से 50। हम इसके जो है HCF में इंटरेस्टेड हैं। तो HCF में जब हम इंटरेस्टेड हैं तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को साथ रखेंगे 50 और 60 को। फिर हमने एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है, छोटे से स्टार्ट करेंगे, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है एट ए टाइम। जहां तक दोनों पर टेबल जा रहा होगा तब तक हम ये प्रोसेस चलाएंगे। तो 2 दोनों पे जा रहा है टेबल, यहाँ पर 25 टाइम्स जा रहा है और जहां पर आपका 30 टाइम्स जा रहा है। अब फिर चेक करें तो 2 का टेबल दोनों पर नहीं जा रहा। फिर हम अगला प्राइम देखते हैं, 3 है, तो 3 का टेबल एक पर तो जा रहा है वेल, लेकिन दूसरे पर नहीं जा रहा। तो उससे अगला प्राइम देखें, 5 का टेबल दोनों पे जा रहा है, तो हम 5 का टेबल लगाएंगे, यहाँ पर 5 टाइम्स और यहाँ पर 6 टाइम्स। अब ये जो दो नंबर हैं, अब ऐसा कोई और प्राइम नंबर नहीं है जो मैं यहाँ पर रख कर दोनों पर टेबल लगाऊं, 5 पर भी 6 पर भी। तो लिहाजा ये दो आ गए प्राइम नंबर्स जो कॉमन दोनों के अंदर इस प्रोसेस में आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, HCF के लिए इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 10। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले हमने 40 और 60 का निकाला था, उसी का हम इसी मेथड से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला छोटा प्राइम 2 से ट्राई करते हैं, 2 का टेबल यहाँ 20, यहाँ 30, देन फिर 2 का टेबल जा रहा है 10, यहाँ पर आपके पास होगा 15। अब क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं तो ट्राई करके आपने यहाँ पर लाजमी जो है ना वो प्राइम फैक्टर ही डिवाइड करें। तो इसके बाद अब ऐसा कोई नंबर मुझे नहीं लग रहा कि जो इन दोनों पर लगे, नो है, 2 का तो नहीं जा रहा, 3 प्राइम दोनों पर नहीं जा रहा, लेकिन 5 ऐसा है जो दोनों पर जा रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स और यहाँ पर 3 टाइम्स। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, तो लिहाजा इन तीनों को आपने अब मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आएगा 2 × 2 × 5, दैट इज 20। तो HCF इन दोनों का 20 आ जाएगा। अच्छा, तीसरा मेथड एक और है इसको फाइंड करने का HCF का, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड, तीसरा मेथड इसको हम कहते हैं बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसमें आपने क्या करना होता है, जो आपके पास दो नंबर गिवन होते हैं, लेट्स कंसीडर हम वही दोनों नंबर कंसीडर करते हैं जो हमने पहले कंसीडर किए, 40 और 60।
हम इंटरेस्टेड हैं इन दोनों के एचसीएफ के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से करेंगे डिवाइड। तो बड़ा नंबर कौन सा है, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, बड़ा नंबर है 60, इसको डिवाइड करेंगे 40 के साथ, टेबल लगाएंगे। आप रियलाइज करेंगे कि वन टाइम्स टेबल जा रहा है इस पर, वन टाइम्स, तो ये 40 आ गया, इसके बाद यहाँ पर 20 रह जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बार तो टेबल नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवाइजर है इसको डिवाइडेंड बना देंगे, और ये जो रिमाइंडर है इसको डिवाइजर, यानी कि इस 40 को यहां ले आएंगे हम इस जगह पर। अब फिर हम 40 पर इस 20 का टेबल लगाएंगे, तो ये 2 टाइम्स जा रहा है, ये -0 हो गया। जहां पर ये रिमाइंडर 0 हो जाए उस जगह पर आपका जो डिवाइजर बन रहा है ये वाला, ये आपका फिर एचसीएफ बन जाता है। इस प्रोसेस में जहां ये रिमाइंडर 0 हो जाए वहां पर जो डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ बन जाएगा। मिसाल के तौर पर हम एक और मिसाल कर लेते हैं इसी मेथड के थ्रू, डिवीजन के थ्रू। फॉर एग्जांपल, हमने 60 और 50 का निकाला था थोड़ी देर पहले, उसी का चेक कर लेते हैं। तो 50 से पहले, क्योंकि 60 बड़ा नंबर है, तो वन टाइम्स व्हाट वी गेट, 10। अच्छा, अब हम फिर इस 50 को जो है ना फिर डिवाइड एंड बनाएंगे, और 10 डिवाइजर रहेगा आपका। अब 5 टाइम्स टेबल जा रहा है, क्योंकि ये 0 हो गया रिमाइंडर, तो ये जो डिवाइजर था आपका ये एचसीएफ बन जाएगा। एक और मिसाल कर लेते हैं इसी की। लेट से हम 36 और 70 का एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, तो बड़ा नंबर 70 है, 70 है, तो इसको हम 36 से करेंगे डिवाइड। तो एक मर्तबा टेबल जा रहा है ऑब्वियसली, तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 4 एंड देन यू हैव 3। अब ये 36 हमारा जो है ये आपका डिवाइडेंड बन जाएगा, और 34 डिवाइजर। अब अगर मैं टेबल लगाता हूं तो फिर भी वन टाइम जा रहा है, देन वन टाइम्स एंड यहाँ पर 34, यहाँ पर फिर से रिमाइंडर आ गया 2। जब तक ये रिमाइंडर आता जाएगा तब तक ये जो हमारा डिवाइजर है ये डिवाइडेंड बनता रहेगा। अब 34 यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, ये 34 है, अब 34 को 2 से करना है डिवाइड, तो टेबल जा रहा है 17 टाइम्स। आप देखें तो 1 टाइम्स लगाएंगे ये 2, 1, 4, 7 टाइम्स जा रहा है, फिर 14, ये 0 हो गया, क्योंकि इस डिवीजन में ये रिमाइंडर 0 हो गया है, लिहाजा ये जो 2 है ये एचसीएफ है दोनों का। तो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 70 इज 2। थैंक यू सो मच।